माटी का मेला, माटी का चोला, माटी का रेला, माटी का खेला, माटी में मिले हुए, माटी में धंसे हुए, माटी में फंसे हुए मानवों के शरीर पर पड़े चोले को हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है उस राम नामी को जो पहचान बनकर पड़ी थी गंगा की रेती पर, हटाया जा रहा है उस कपड़े को जो बताता था कि यहाँ पर दफन है राम कुमार, राम अवतार, राम प्रहार, दुलारे हैं, अवतारे हैं या किसी की आंख के तारे हैं। हटाया जा रहा है उन बांस को जो अर्थी के साथ गड़े थे पाए बनकर, थामे थे मर जाने के बाद दो गज जमीन की पहचान, हटाए जा रहे हैं एक एक करके बारी बारी से। सिर्फ कपड़े नहीं हटाए जा रहे हैं, न सिर्फ हटाए जा रहे हैं बांस, बल्कि उठाया गया है फावड़ा और मिट्टी डालने की हुई है शुरुआत उन शवों पर जो निकल आए हैं रेत को फाड़ कर बाहर, जो निकल आए हैं अपनी मरी हुई पहचान के साथ। शवों जो बाहर आ गए थे, जो पिछले जो आंधी पानी दो तीन दिन से हो रहा था, कुछ शवों के बाहर आने के था, तो हम लोग लगातार यहाँ जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं उनको शवों को ढकने का काम। प्रशासन कहता है कि नगर निगम ने यह काम इसलिए शुरू कराया है ताकि बीमारियों को रोका जा सके, ताकि आवारा जानवर और पशुओं से मृत शरीरों को बचाया जा सके, ताकि गंदगी को रोका जा सके, ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके, ताकि किसी तरह से कोई दिक्कतें ना होने पाए घाट के आसपास रहने वाले लोगों को। और लगातार जब से ये कमेटी बनी है, हम लोगों को जो काम दिया गया है उसमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों को रोकना है कि लोग यहाँ पर आके शव ना दफना। इस समय हम लोग यहाँ नैनी पे देवरा घाट में, इस तरीके से और भी कई घाट हैं जहाँ पे इस तरीके का काम हुआ है, तो हम लोग लगातार जो है 3-4 दिनों से यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग दफनाए नहीं, शवों को दफनाए नहीं। हमें प्रशासन की नीयत पर जरा सा भी शक नहीं है, हमें तो तब भी शक नहीं हुआ था जब लखनऊ में शमशान घाट में जलती चिताओं के सामने प्लास्टिक की मोटी परत की दीवार खड़ी कर दी गई थी ताकि लोग जलती हुई चिताओं को देखकर विचलित ना हों, तो अब क्यों होगा। मगर इतना जरूर है कि फाफा मऊ के पुल पर चढ़कर पहले लोगों को इन्हीं राम नामी से एहसास हो जाता था कि बालू में 100 शव दफन है या 200 या 500 या 1000, लेकिन अब नहीं दिखेगा। अब आकाश से भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं खींची जा सकेगी जिससे मालूम चले कि गंगा के किनारे शवों का टीला बन गया है। कहा ना, हमें प्रशासन की नियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि उभर आए शवों का अंतिम संस्कार हो जाए तो बेहतर हो, रेती पर शवों को दफनाने का सिलसिला बंद हो जाए तो बेहतर हो, और सबसे बेहतर तो यह हो कि बाहर निकल आए शवों का इलेक्ट्रिक शवदाह यंत्र से सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया जाए। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।